प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को आज कांग्रेस उत्तराखंड में बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस भवन के बाहर रेडी लेली लगाकर पकोड़े बेचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस के अधिवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने युवाओं को ठगने का काम किया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि हमारी सरकार के आते ही हम हर वर्ष 20,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन देश के अंदर यह माहौल है कि पढ़ा लिखा युवा आज सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़े तलो। आज इसलिए हम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष का युवा, उत्तराखंड का युवा, जो नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे, जो उनके जुमले थे और जिस वर्ग को उन्होंने सबसे ज्यादा ठहला, वो वर्ग युवा वर्ग था। क्योंकि उनका जो पहला नारा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष भारतवर्ष को देने का काम करेंगे, उसके ठीक विपरीत आज पढ़ा लिखा युवा, आज इंजीनियरिंग का युवा, आज डॉक्टरी करके युवा बेरोजगार है, सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है और ठेलियाँ लगाने के लिए मजबूर है। और नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि आप पकौड़े के ठेलियाँ लगाइए। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवा को चला, उसके विरोध के रूप में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में प्रदेश का युवा, भारतवर्ष का युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में बनाने का काम कर रहा है।